अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन मॉड्यूल। किसी ने मुझे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि हमें फाउंडेशन मॉड्यूल के बारे में गाइड कर दें। तो आज इस वीडियो में मैं वो हर इम्पॉर्टेंट चीज़ हर पॉइंट बताऊंगी जो कि इस मॉड्यूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रॉस एनाटॉमी से। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए जो बुक फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए बिल्कुल इनफ है वो है बी डी चौरासिया की हैंडबुक। अच्छा, बुक्स की जो गाइड है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी सारी बुक्स को देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बी डी चौरासिया हैंडबुक से। ये वाली बुक है, ठीक है, मेरे पास 6th एडिशन है। हो सकता है इसका कोई न्यू एडिशन आ गया हो तो मुझे नहीं पता, बट दिस इज 6th एडिशन जो मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंडेक्स अगर हम देखें तो इंडेक्स में आप पहले मार्क कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, इसके सिर्फ कुछ पेजेस आपने करने हैं, जिसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना भी चुकी हूँ। इसके बाद स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपने पूरा नहीं करना, सिर्फ एक चार्ट है उसके अंदर जो आपने करना है वो मैं आपको भी बता दूंगी। और स्किन एंड फेशिया का भी पूरा टॉपिक नहीं करना, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स करने हैं वो भी मैं आपको भी बता दूंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पेज नंबर 10 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 10 में जो नीचे लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इससे पहले का आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में अक्सर आती हैं, तो इसके लिए आपको ये पोजिशंस लाजमी पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सिनेरियो ऐसे दे दिया जाता है, सब लिखा हुआ होता है कि अगर एक इंसान इस तरह से खड़ा हुआ है तो वो कौन सी पोजिशन है, तो ये आपको ये तीन पोजिशंस तो बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स पता होनी चाहिए। इसके बाद ये वाली पोजीशन एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पता हो तो बेहतर है, ठीक है। प्लेन्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें एज सच कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो इसमें एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एक दफ़ा भी इसको रीड देंगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। इसके बाद ये जो टर्म्स है ये जस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको हर टर्म के बारे में पता हो, लेकिन ये आपको इसकी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ठीक है। ये सारे टर्म्स की इलस्ट्रेशन है। इसके बाद यहाँ पे भी ये सारे जो टर्म्स हैं ये शो किए हैं, लेकिन इनकी भी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये सारी वही टर्म्स हैं जो रिपीट करके बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो ये मूवमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। इनकी बस नॉलेज होनी चाहिए, कोई डेफिनेशन याद करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में बस यही चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, कैपिलरीज में क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो आपने पिछली 11-12 में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इस यहाँ पे कुछ आर्टरीज और वेन्स के जो नाम लिखे हुए भी इस लेवल पे फाउंडेशन मॉड्यूल में याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एनास्टोमोसिस की एग्जाम्पल दिखाई हुई है कि वो क्या होता है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ दिखाया हुआ है कि क्या चीज़ है, तो लेकिन इस पॉइंट पर आपको आर्टरीज के नाम याद नहीं करने, ओके। यहाँ पे बोन्स के नाम हैं, उनके बॉर्डर्स हैं, उनके प्रोसेसेस हैं, ये भी अभी याद नहीं करने। तो इन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आपका नेक्स्ट मॉड्यूल, जब आपका लोको मोटर मॉड्यूल स्टार्ट होगा जो कि थर्ड मॉड्यूल होगा, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इस पॉइंट पर इसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में सिर्फ आपने पोजिशन थोड़ी सी और मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं स्केलेटन के चैप्टर पे। स्केलेटन के चैप्टर में एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोन्स के फंक्शंस आपको अगर नहीं भी पता होंगे तो आप ऑलमोस्ट खुद से लिख सकते हैं कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में है वो यहाँ पे कुछ बोन्स की क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, और इन सब की एंड में इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इन सब की एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ये अक्सर एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि लॉन्ग बोन्स की या फ्लैट बोन्स की एग्जाम्पल्स बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए इसकी कि लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए लाजमी। तो ये चीज़, ये 6 क्लासिफिकेशन है यहाँ पे इस पेज पे, तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। इस इनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम को सिर्फ इस हद तक आप देख सकते हैं कि कौन सी बोन है, लेकिन इसके अंदर ये जो सब नेम्स हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की, ये सब डायग्राम्स हैं, लेकिन इनकी लेबलिंग से परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे दो और क्लासिफिकेशन है बोन्स की, ठीक है, ये दोनों बोन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एग्जाम्पल्स एक या दो याद कर लीजिएगा। इसके बाद डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है बोन्स की, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं कि मेम्ब्रेनल बोन्स कौन सी, कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन किस बोन में। तो ये जो नेम्स हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंड्रोकोंड्रल ऑसिफिकेशन, ये नेम विद एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद जो एक चीज़ बहुत पूछी जाती है वो होती है कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन के डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये स्टेबल को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इसके आंसर्स को सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्रॉस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है कि शाफ्ट क्या होती है बोन की, दो एंड्स होते हैं बोन के, ये भी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी दो बोन्स के पार्ट होते हैं, दैट्स इट। इसमें एज सच कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो समझना है। इसके बाद यहाँ पे एपिफिसिस के बारे में कुछ बताया हुआ है कि कितने तरह के होते हैं, इसमें भी कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको सब पता होना चाहिए बस कि ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि स्पंजी बोन और जो दूसरी बोन कौन सी थी, कार्टिलेजिनस बोन, उन दोनों के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, सॉरी स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट बोन, इन दोनों के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और जो मैंने कुछ आपको शुरू में बताए हैं कि बोन्स की क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने बस एक दफ़ा अगर इस चैप्टर को रीड दे देंगे बहुत अच्छे से, तो इसमें ऐसे कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस चार्ट को भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कार्टिलेज की टाइप्स। अगेन ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर आप बहुत अच्छा सा कर लेंगे और अगर आपको इन तीनों की ये जो फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है लोकेशन पता होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन क्या है, ठीक है। ज़्यादातर लोकेशन ही पूछी जाती है, बाकी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, सिर्फ लोकेशन ही आपको पता होनी चाहिए और उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि ये दिखते किस तरह से। इसके बाद आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ऐसा कुछ नहीं, रिकेट्स के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी वो विटामिन डी से होता है। इसके बाद स्कर्वी पता होना चाहिए कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। ये एक आपको चार्ट लाजमी करना है, कंपैरिजन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया का, ये आपको पता होना चाहिए कि और ख़ास तौर पे ये वाला पॉइंट आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एल्केलाइन फॉस्फेटेस किस कंडीशन में रेज्ड होता है और किस में नॉर्मल होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया स्केलेटन का चैप्टर। स्केलेटन के चैप्टर में सिर्फ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत पूछी जाती हैं वाइवा में भी और एमसीक्यूज में भी, इसमें ऐसे कोई डेफिनेशन वाली चीज़ नहीं है। थर्ड चैप्टर हमारा जॉइंट्स का। जॉइंट्स में अगेन कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, फिर फाइब्रस जॉइंट्स की फर्दर तीन सब क्लासेस हैं, और ये सब क्लासेस की आप अगर सबको पढ़ोगे तो उसमें सबकी एग्जांपल्स दी हुई होंगी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो उसकी एग्जांपल क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस की एग्जांपल क्या है, तो ये सब की बस आपको एग्जांपल्स बतानी चाहिए। इससे ज़्यादा ऐसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है इन चैप्टर से, सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पे ये वाला जॉइंट है, या किसी चीज़ का बता देंगे, शोल्डर जॉइंट मेंशन कर देंगे और पूछेंगे आपसे कि कौन सा जॉइंट है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पता होने चाहिए, ओके। इसके बाद ये सारे देखें एग्जाम्पल्स हैं, ओके, हर जॉइंट के नीचे उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई, और यही बस आपने इस चैप्टर में कर ली है। That's it. ठीक है, एंड में नर्व और ब्लड सप्लाई है जॉइंट्स की, वो भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा रीड देना है, कुछ भी याद करने वाला इसमें एग्जैक्ट फॉर एग्जाम्पल्स कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल नेट में शायटिका लाजमी कर लीजिएगा, रूमेटाइड फीवर, रूमेटिक फीवर कर लीजिएगा, आपको बस इनके बारे में पता चाहिए। अभी इस स्टेज पे जब आप पहला मॉड्यूल दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स किसी भी डिजीज़ की आपको पता नहीं होनी चाहिए, इट्स ओके। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पता है तो आपका पेपर बहुत इजीली हो जाएगा। अगेन ये वाला चार्ट लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डिफरेंस है, और सबसे मेन इसमें पॉइंट ये है कि ESR जो लेवल है
दैट इज एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो किस में रेज्ड होता है और किस कंडीशन में नॉर्मल होता है, ये एक डिफरेंस होता है जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी आपको अगर कोई भी केस दे देते हैं और उसमें बताते हैं कि ESR नॉर्मल है तो आप कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और कहेंगे कि ESR रेज्ड है तो इट मीन्स इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो ये आप MCQs में चूज करने में आपको आसान है. दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर. इसमें भी ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. मसल्स के ऊपर आ जाते हैं. मसल्स में भी सिर्फ आपने जो करना है स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ऑलरेडी आप इंटर में कर चुके होंगे. ये वाला चार्ट कर लो तो मोर देन इनफ होगा. दिस इज टेबल नंबर 4.1. इसमें अगर आप इसकी पहली वाली जो अगर आप पॉइंट देखो, वेट अ सेकंड, पहला वाला अगर आप पॉइंट देखो तो उसमें सारी एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सा मसल किस लोकेशन पर बॉडी की प्रेजेंट है, उसकी शेप है, उसके न्यूक्लियस के बारे में कि कौन सा मल्टी न्यूक्लेटेड है, कौन सा यूनि न्यूक्लेटेड. बस ये टेबल मतलब इनफ है अगर आपको मसल्स को बहुत अच्छे से याद करना है. तो इसके अलावा इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अलावा ये वाली जो डायग्राम होगी आप लोगों ने अपने इंटर में की होगी, लेकिन ये फिजियोलॉजी में भी है, अगर उससे भी करोगे तो ज़्यादा ईजीली आप कर सकते हो. इसके बाद एक ये वाला टॉपिक है जिसमें आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स के बारे में बताया हुआ है कि जो मसल के फाइबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है, और ये सारे इनके नेम्स हैं, क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रैप लाइक. इसमें से जहाँ तक मुझे याद है मेरे पेपर में सिर्फ एक MCQ आया था इससे रिलेटेड, दैट वाज अबाउट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस. उससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको स्किप मत कीजिएगा. इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा कि ट्राइंगुलर की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, यूनिपिनेट मसल्स की एग्जाम्पल्स में क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होंगी. ये सारे आपके डायग्राम्स ही हैं. अगेन डायग्राम्स को देख के बिल्कुल इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना, आगे वाले मॉड्यूल्स में जाके आपको आसानी से सब समझ आ जाएगा. इसमें और यहाँ तक कुछ भी नहीं है. इसके बाद यहाँ पे आते हैं प्राइम मूवर्स मसल, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर, सिनर्जिस्ट. इन सारे मसल्स का पता होना चाहिए आपको कि क्या मूवमेंट करते हैं, और इनके गेन एग्जांपल्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जो फाउंडेशन मॉड्यूल है इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जांपल्स, मसल्स की एग्जांपल्स, जॉइंट्स की एग्जांपल्स, बोन्स की एग्जांपल्स. सिर्फ एग्जांपल्स याद होनी चाहिए इस पॉइंट पे. इसके बाद क्लिनिकल नेट में भी एक नज़र पड़ लेना. अभी इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन बस एक रीड दे देना उसको. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं है तो इस चैप्टर को हम स्किप करेंगे. इसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करना, बस इतना करना कि आपको समझ आ जाए. ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज की डिफरेंस कर लेना. ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो इसको बस एक हल्की सी रीड दे देना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, और इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. अच्छा, इसके बाद हमारा चैप्टर है दैट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में भी अगेन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने कहा था कि सिर्फ एक चार्ट इम्पोर्टेंट है और वो चार्ट ये वाला है. लेट मी शो यू. ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज पेज नंबर 161, नर्वस सिस्टम. इस चार्ट को अपने उन्हें बहुत अच्छे से करना है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अच्छा, अगर ये इस वाले उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे तो आप इसको किसी और यूट्यूब वीडियो से या किसी और बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टेबल भी कर लो और समझ लो तो ये बहुत इनफ है. इसमें से ऐसा कोई MCQ बनता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक दिया हुआ है तो आपने करना लाजमी है, क्योंकि यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी आ जाता है पेपर में. तो बस नर्वस सिस्टम में ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यही करना है बस. ओके, इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा चैप्टर है स्किन एंड फेशिया, चैप्टर 8. इसमें आप पेज नंबर 182 पे जाएं. सुपरफिशियल फेशिया बताया हुआ है. इस चैप्टर को बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर परेशान होने की. सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेना और इसी तरह से डीप फेशिया की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फीचर्स थोड़े से देख लेना. इसमें से कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते और कोई ऐसी मुश्किल चीज़ भी नहीं. इसके बाद लास्ट है रेडियोग्राफी, जो कि अभी आपने नहीं करनी. तो जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन के वो प्लेन्स थे और एनाटॉमिकल पोजीशंस. स्केलेटन में लॉन्ग बोन्स और जितनी भी बोन्स हैं उनकी एग्जांपल्स, जॉइंट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स उनकी एग्जांपल्स, मसल्स में जो तीन मसल्स हैं उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स, उनकी लोकेशंस.
लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपको बता दिया बस एक चार्ट है, और स्किन एंड फेशिया में सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया की एग्जाम्पल्स हैं। तो बस ये सब चीज़ें जो ग्रॉस नेट में आपने करनी है, और इसके अलावा इस बुक के अलावा मेरी 84 के अलावा किसी और बुक से रेफरेंस नहीं लेना, क्योंकि फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए ये बुक इनफ होती है, मोर देन इनफ होती है। तो इसके अलावा किसी और बुक से ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो एनाटॉमी क्रॉस एनाटॉमी के लिए आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा इस बुक को मत देना, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको लास्ट टाइम तक याद नहीं होती हैं। जब आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले आपको लाजमी रिविजन इसका करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम्पल्स इतनी सारी और मिलती जुलती होती हैं कि याद नहीं रहती हैं। तो इसको इसलिए इस बुक को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा याद करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 दिन इसको एक दफ़ा रीड देना है, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों ने इसको रिविजन करना है इसका। तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। फाउंडेशन मॉड्यूल में जो आपने सेकंड चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपने करनी है लाइकोसेन की बुक से। ये वाली जो बुक है आपके पूरे साल फर्स्ट ईयर की, और मेरे ख्याल से सेकंड ईयर भी काफ़ी यही चलती है। इसके अलावा किसी की तरफ चीज़ और बुक की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की हम स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की पहले बुक देख लें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ। इसमें जो आपने करना है दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, चैप्टर 10 एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताती हूँ। वैसे तो इसमें सब चीज़ें अगर आपने की हुई हो तो अच्छी बात है। सेल की तरफ आ जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल एक ऐसी चीज़ थी जो आपने अपने इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। इसके सारे कंटेंट्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब पढ़ा हुआ है। तो इसमें जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बस यही पता चलेगा कि कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, जो थोड़े से एडवांस्ड होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखो तो ह्यूमन सेल की शेप और साइज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दी हुई है। न्यूरॉन की का साइज़ दिया हुआ है, ओवम का साइज़ दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन में भी थिकनेस वगैरह, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको थोड़ी सी एडवांस्ड होंगी, लेकिन आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के प्रोटीन्स की बात होगी, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरीफेरल प्रोटीन्स, इनके क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि लेबल में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है, इसमें आपको ये भी आप पहले कर चुके हैं, डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स होंगी और दैट्स इट, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये जो टॉपिक है सेल सरफेस रिसेप्टर्स, इसमें आपको ये तीनों रिसेप्टर्स आपने अच्छे से करने हैं, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए और उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। इसके बाद न्यूक्लियस का टॉपिक आ जाता है, जो कि कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, किस ऑर्गेनेल में क्या हो रहा है। इनकी ये वाले जो डायग्राम है, दिस इज़ फिगर नंबर 2.5, ये आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये कोई डायग्राम कभी कभार आ जाती है कि जो भी ऑर्गेनेल शो किया हुआ है पिक्चर में इसका क्या रोल है। तो आपको इसलिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनेल किस तरह से नज़र आता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों के बस आपने फंक्शंस करने हैं, थोड़ी सी चीज़ें एडवांस्ड हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। वही सारी चीज़ें, वही लाइसोसोम्स, वही पेरोक्सीसोम्स। इसके बाद अच्छा, एक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सेल सरफेस कॉन्टैक्ट्स, ये है पेज नंबर 22 पे। सेल सरफेस कॉन्टैक्ट्स में 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स दिखाए हुए हैं, एक जनरल कॉन्टैक्ट होता है, एक स्पेशलाइज कॉन्टैक्ट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सेल जंक्शंस का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेल जंक्शंस किस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, गैप जंक्शंस, और ये सब डायग्राम में भी शो किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं डिटेल में करने की, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस आप पहले ही कर चुके हैं। एक हल्का सा एक रीड दे देना बस, इससे ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ये डायग्राम देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा फेस किस तरह का नज़र आता है।
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सेल साइकिल पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 30 पे ये जो सारे फेजेस हैं इनकी टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं इसके अंदर, कि कौन सा फेज़ कितने टाइम में होता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है कि कौन सी फेज़ में कितना टाइम लगता है। इसके बाद सेल डेथ के टॉपिक में नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर 3 एपिथेलियम का जो टॉपिक है ये मैंने बहुत डिटेल इसकी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप वहाँ से देख लें कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ बताई हुई है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी अब, इसकी सारी डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसकी शेप्स पता होनी चाहिए, कौन किस तरह का एपिथेलियम किस तरह का नज़र आता है और उनकी लोकेशंस क्या बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बताऊँगी, मैं बता चुकी हूँ सब कुछ। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 पे। ग्लैंड्स का चैप्टर भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन अगेन मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको ग्लैंड्स के सबके नाम, उनकी यहाँ पे जो शेप्स हैं ये, और इनकी लोकेशंस, सिर्फ लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी में सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे भी सारे लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा में भी आपसे आपको कोई भी ग्लैंड का नाम बता देता है या कोई लोकेशन बता देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है या ये वाला जो स्पेसिफिक ग्लैंड है ये किस लोकेशन ऑफ बॉडी में, कहाँ होता है बॉडी में, क्या लोकेशन है। तो ये वाली एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें भी, ठीक है। अभी जब रिसेंटली मेरा वाइवा हुआ था तो उसमें एग्जामिनर ने मुझसे ये वाले ग्लैंड्स पूछे थे, मेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। फिर उन्होंने मुझसे होलोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछा था कि वो किस टाइप के होते हैं, उनमें क्या होता है ऐसा, ठीक है। ये मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, ओके। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया हुआ है और उसके सेल्स बताए हुए हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, एक रेजिडेंट एक माइग्रेंट सेल्स, और इनकी बताया हुआ भी है कि रेजिडेंट सेल्स कौन कौन से होते हैं, माइग्रेंट सेल कौन कौन से होते हैं। अब इन सेल्स के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, किस तरह के नज़र आते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इसमें। तो हिस्टोलॉजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप छोड़ो, आई गेस एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट से कोई ना कोई चीज़ क्वेश्चन बन सकता है। गैग्स का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, गैग्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी में इसकी इतनी डिटेल नहीं है। ये वाला फिगर बहुत अच्छे से कर लेना, दिस इज फिगर नंबर 5.1, क्योंकि इसमें फाइबर शो किए हुए कि कौन सा फाइबर और कौन सा सेल किस तरह का नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद इलास्टिक फाइबर्स वो कह रहे हैं, इसमें मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आप छोड़ो, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी चार तरह के यहाँ पे टिश्यू शो किए हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर एंड एडिपोस। तो इनके बारे में भी इनके क्या डिफरेंसेस हैं, ये किस तरह से नज़र आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना लेंथी चैप्टर नहीं था। तो चैप्टर 7 है कार्टिलेज, अगेन इसमें भी आपको इसकी लेयर्स के बारे में बताना चाहिए कि कार्टिलेज के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है। इसके बाद जो कार्टिलेज के डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम अपने ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे कि हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, तो वो किस तरह से नज़र आते हैं, ये वाले फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फिगर नंबर 7.2, ये आपके जो ऑस्पी एग्जाम्स हैं ये वाइवा, उसमें आपको पिक्चर शो करके पूछा जा सकता है, तो ये बहुत अच्छे से देखना। अगेन इनकी लोकेशन आप ग्रॉस एनाटॉमी में याद कर चुके होंगे, तो बस एक रिविज़न ही होगा एक तरह का, ठीक है। इसके बाद बोन वगैरह का टॉपिक तो नहीं करना है आपने, बोन भी नहीं करना, ब्लड भी नहीं करना, मसल टिश्यू को आपने हल्का सा देख लेना, कुछ उसमें भी इतना ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसल टिश्यू है इसमें जो मसल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं ये आप ग्रॉस एनाटॉमी से ही करो तो बेहतर है, कि स्केलेटल मसल होता है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल होता है, उसी से कर लेना तो ज़्यादा ईजी है। मैंने ये वाला जो टॉपिक था ये छोड़ दिया था इसमें से। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक अगर फिजियोलॉजी से करो तो ज़्यादा डिटेल में उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी उससे कर लोगे तो एक ही बात होगी, ठीक है। मैंने फिजियोलॉजी से ही किया था इसलिए मैंने ये वाला इसमें से नहीं पढ़ा था, ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट्स इसमें डिफरेंट हैं जो कि नहीं होंगे आपके ग्रॉस एनाटॉमी में, तो वो आप इससे कर लेना, लेकिन एक दफ़ा रीड ज़रूर देना इस चैप्टर को भी, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, इस वही दफ़ा रीड लाजमी देना आपने।
ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी थोड़ी सी लेंदी है ग्रॉस एनाटॉमी के कंपैरिजन में अगर हम देखें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस बुक में। तो इसको अगर आप 4 से 5 दिन दें तो इससे ज़्यादा ना दें तो बेहतर है, क्योंकि अगेन आपके इसके बाद आपकी एम्ब्रियोलॉजी भी है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है इस मॉड्यूल की। तो जितना ग्रॉस और हिस्टोलॉजी को कम टाइम दोगे उतना एम्ब्रियोलॉजी में ईजी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जनरल एनाटॉमी और जो हमारी हिस्टोलॉजी है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने इंटर से मिंटर में पढ़ के आए हो, आपको नॉलेज है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी हैं, तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको भी और फिजियोलॉजी को भी। फिजियोलॉजी भी बहुत बेसिक है फर्स्ट फाउंडेशन मॉड्यूल की, लेकिन आपको एम्ब्रियोलॉजी के लिए टाइम रखना होगा। ओके,